आप महाड़ा कॉलोनी में रहते हैं जी जी, तो आपकी क्या रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब? जी हमारी रिक्वेस्ट है कि देखिए हमारे ऑल ओवर मतलब एरिया में पूरे पॉजिटिव निकल रहे हैं, यहाँ पे पदमपुरा में, सहमत नगर में 2 कोरोना पॉजिटिव निकले, तो इस वजह से हमको थोड़ा सा डर लग रहा है और हमारे लिए सेफ्टी चाहिए यहाँ पे। हमने सेफ्टी लगाई थी बट कुछ लोगों की वजह से वो सेफ्टी निकालनी पड़ी हमको, एंड प्लस वहाँ पे कांस्टेबल चाहिए हमको, मतलब आने जो बाहर के आते हैं वो आने नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे, क्योंकि कैसे कोई भी लोग कैसे भी आ सकते हैं, और यहाँ पे अभी कुछ भी है नहीं, हम सब सेफ साइड में, तो हम नहीं चाहते कि और कुछ हमारे यहाँ पे कुछ बढ़े, तो इसलिए रिक्वेस्ट है हमारी कमिश्नर साहब से कि कुछ तो हमारे लिए सेफ्टी करें उन लोग। आपका नाम और आपके एरिया का नाम? जी मेरा नाम पूजा कवड़े और हमारे एरिया का नाम माड़ा कॉलोनी बाबा पेट्रोल पम्प। सर अभी हम माड़ा कॉलोनी में खड़े हैं जी, आपकी क्या तकरार है? आपने जो रास्ता बंद किया था उसको दोबारा खोलने लगा दिया सीनियर सिटीजन ने जी, जी आपका क्या बोलना है? सर क्या है, अभी हमारा वार्ड जो है समता नगर कांति चौक से लेके बाबा पेट्रोल पंप तक, उसमें तो समता नगर में अभी फिलहाल ये 2 दिन में 4-1 पेशेंट आए, इसलिए क्या है हमें ऐसा लग रहा था कि भाई कि हमने बंद करना चाहिए, जो बाहर के लोग इधर आते हैं या यहाँ के लोग बाहर जाते हैं इस चीज़ के लिए हमने बंद किया था, लेकिन कुछ अड़चन यानी कि लोगों को तकलीफ हो रही थी, इसलिए फिर हमने सोचा कि भैया हमने सर्वे भी ऐसा किया था कि मॉर्निंग में से लेके कुछ बच्चे बैठ रहे थे, वो बच्चों ने एंट्री की थी कौन जा रहा है कौन आ रहा है, हमने उस दिन देखा कि समता नगर से कुछ 8-10 लोग इधर, हमारा इधर राशन दुकान है जो भी बीच में है, तो उधर लोग आते हैं, तो हमें ये चाहिए था कि भैया राशन दुकान एक तो बाहर किधर तो भी लगाई है, हमारे कॉलोनी के बहुत कम लोग हैं वहाँ पर, इसलिए हमने सोचा था कि बंद किए। लेकिन अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अभी सेंटर ऑफ द सिटी में हमारा एक ये कॉलोनी है और यहाँ पर लोकेलिटी ही बहुत है, तो हमें चाहिए कि भाई पुलिस दो कॉन्स्टेबल रखना चाहिए और रोड ब्लॉक करना चाहिए। अपने औरंगाबाद के कमिश्नर साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करें? सर हम वही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारी कॉलोनी में पब्लिक ज़्यादा है और बाहर के लोग यानी कि बाबा पेट्रोल में हार्ट ऑफ द सिटी पॉइंट है और यहाँ पर लोग बहुत सारे आते जाते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि 2 कांस्टेबल हमारे गेट के पास लगा दिए जाए। आपका पूरा नाम बोलिए? कॉलोनी का नाम श्रीकांत ठाकरे। कॉलोनी का नाम? माड़ा कॉलोनी बाबा पेट्रोल। मैडम हमें ये बताइए, आप माड़ा कॉलोनी में रहते हैं, तो आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है रास्ता बंद? कुछ नहीं, हमने सेफ्टी के लिए लगाए थे, बाहर के कोई लोग आना नहीं चाहिए थे, मगर लोगों ने निकालने लगाए, तो हमको सेफ्टी चाहिए या कोई तो भी बोले तो, बस ये माड़ा कॉलोनी के लिए सेफ्टी होना चाहिए हमारे। मतलब आप सीधे तौर पर कमिश्नर साहब से कुछ मदद मांग रहे हैं? क्या मदद चाहिए आपको? कुछ रखना चाहिए, पुलिस लेडीज भी रखना चाहिए, जेंट्स भी रखना चाहिए, उन्होंने कि लेडीज जाए तो लेडीज से बात करें, जेंट्स जाए जेंट्स से बात करें। इतना डर क्यों लग रहा है आपको? डर नहीं लग रहा है, मगर इतना माड़ा कॉलोनी में करने के बाद में बच्चों को डिस्टर्ब कर दे उन्होंने सब जी। नाम बोलिए आपका। मैं सगुना कौड़े बात कर रही हूँ, मानसे के कार्यकर्ता हूँ। क्या आपकी तकलीफ है यहाँ पे माड़ा कॉलोनी में? यहाँ तो तकलीफ ये है, बाहर के लोग आना चाहिए नहीं इधर हमारी कॉलोनी में, अभी तक कुछ कोरोना वायरस से पॉजिटिव नहीं आया है, हम लोग ये करने वाले हैं कि हम सेफ्टी रहना चाहिए, तो बाहर के लोग आते जाते ना तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, सबने सब खुद की सगड़े सगड़े की काजी गए। मतलब यहाँ पे भाजी तरकारी बेचने वाले भी आते हैं कि आपने रुकाया उनको? हाँ रुकाए थे पर बीच में थोड़े बच्चों ने, वो सुनते नहीं, वो बोलते काय को हमके भाजी के ऊपर ऐसा हमारा पेट है वो ये ऐसे बोलते रहते, पर जिसने जिसने सबकी सिफारत रहनी चाहिए ना, ये हमारा पुलिस वाले चाहिए रात में इधर, बच्चे सुनते नहीं, बड़े बुजुर्ग लोग भी नहीं सुनते, वो भी कहाँ भी खड़े रहते, कहाँ भी बात करते रहते, सब छोटे बच्चों को अंदर बिठा सकते, बड़े लोगों को बिठा नहीं सकते ना, वो खुद समझना चाहिए सब, बड़े लोगों ने उसने साथ देना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, कॉलोनी का ही रहना है। यस आपका नाम बोलिए। मेरा नाम हीरा पटेल, माड़ा कॉलोनी। ओके।